आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़ में खड़े हैं। इस इदारे वालों ने कुछ महीने पहले हमसे एक वादा किया था, ये स्कूल के अंदर प्रोग्राम बिल्डिंग आपको यहाँ नजर आएगी यहाँ पर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रही है, अंदर प्रोग्राम चल रहा है। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है इतना है कि हमें उनका साथ देना होगा। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज हो जाएंगे या छोटी छोटी बातों को वाले को काम में मजा नहीं आएगा, इसलिए अपने दिल को भी वसी करें, अपने जहनों को भी वसी करें। ये काम करने का सबसे पहला तरीका है। जैसे हमारे जहनों में आ रहा ना कि स्टॉप थोड़ा लेट आ रहा है, तो हम ये देखें कि सर्दी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो लेट हो गए, और नया नया मामला है तो थोड़ा 19-20 तो होगा। उसके लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा उनका जो है साथ दें। और जैसे हमने अभी देखा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, इसमें बहुत सारे मामले स्टिक होते हैं, इसमें जो है ऐसा ढील नहीं होती। और हम देखें हमारी तरफ से जो है कितनी लापरवाही हो रही है। जब स्कूल छूट रही है तो बुरा मत लगने देना, मैं भी जो है मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ता है, हम ये देखें कि ऐसा लग रहा है हमारे बच्चे स्कूल से नहीं किसी जेल से छूट रहे। हम ऐसे गेट के ऊपर गर्दी और इस तरीके से खड़े हुए, जैसे ऐसा लग रहा है 5 घंटे से सिर्फ मेरा अपना बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बाकी सब बच्चे अभी आए ऐसा लग रहा है। हमें भी चाहिए कि उनको पूरा प्रोटोकॉल दे। ये ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हमने सबने नाम सुना है, ये की हजरत आपका बड़ा शुक्रिया है कि आपने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है कि लोग आज मुझे पहचानते हैं कि मैं अल्लामा इकबाल हूँ, बहुत बड़े शायर हैं। तो उनके उस्ताद ने एक जुमला कहा था, उनके उस्ताद ने कहा था, बेटा मैंने तुझे अकेले को नहीं पढ़ाया, मैंने पूरी क्लास को पढ़ाया था, उसमें तू पढ़कर कामयाब हो गया, ये तेरा कमाल है। बात समझ में आ रही? हाँ, बात समझ में आएगी ना। तो ये स्कूल सिर्फ ये स्टॉप का नहीं है, ये हम सबका स्कूल है। हम अपने घर में अगर गंदगी देखते हैं, ये कोई ख़राब चीज़ देखते हैं, तो अपने वैसे ही दूर खड़े रहें, अपनी तरफ से पूरी सहूलत दें ताकि स्टॉप अपने तरीके से पूरा काम करें। वो किसी ने कहा ना, एक बहुत खूबसूरत बात है, पहले के लोगों के पैर में जूते चप्पलें नहीं थी, नंगे पैर थे, लेकिन हौसले बुलंद थे। हौसले क्या थे उनके? बुलंद थे। आज के दौर में जूते महंगे हैं लेकिन जहन पूरा खाली है। हम अपने बच्चों को खुद टटोले, कोई चीज़ उनको याद कराए तो हमें पता चलता है कितना जो है उनको याद कराना मुश्किल है। अपने बच्चे को 10 मिनट खामोश बिठाना मुश्किल है, ये 5 घंटे हमारे बच्चों को संभाल रहे, 5 घंटे उनको पढ़ाना, उनको संभालना, उनकी निगरानी रखना, ये कितना मुश्किल काम होगा। 5 घंटे बहुत होते हैं, एक पेरेंट से 5 घंटे नहीं समझते। वालिदा अगर वालिद के पास बच्चा दे दे ना कि आप संभाले, में बाजार से आती हो इसका दीवारा निकल जाता 5 घंटे में, निकल सही बात है, हम सबका दीवारा निकल जाता। और शाम जब हम घर वापस आते तो अपनी बीवियाँ क्या बोलती है, अब तुम संभालो मैं सुबह से संभाल दूँ। तो 5 घंटे ये संभालने कितना मुश्किल है, इसलिए इनका भरपूर साथ दे। अपनी तरफ से छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ खड़े रहकर बोलना ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर कुछ बने, उनके अंदर एजुकेशन हो, वो नाम रोशन करें। उसके लिए हमें चाहिए कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को सराहें। और ये बहुत अच्छे स्कूल मिले हमको, इसमें जैसे बाजी ने बताया कि यहाँ हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, और एक ही जगह में ये सारी चीज़ों का मिल जाना बहुत मुश्किल हो जाए। हम डिमांड में क्यों जाते हैं इतनी दूर, सारी चीज़ें वहाँ मिल रही है, इसलिए आदमी जाता है यहाँ से छोड़कर वहाँ पर, भुसावल छोड़कर जलगांव जा रहा है, ये एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल रही है। तो उनके भी कुछ उसूल है, जवाबित है, हम ध्यान नहीं देते। वो कभी खिड़की नहीं होगी उसके अंदर, वहाँ घड़ी नहीं होगी, वहाँ आपको थैला ले जाने की परमिशन नहीं है। आप चाहे 1 लाख रुपए का माल खरीदे लेकिन अपना थैला आप नहीं ले जा सकते। वजह क्या है उसकी? आपको उनसे कोई चीज़ खरीदना है तो साथ में आपको कैरी बैग भी लेना है, वो उनकी स्कीम है। वैसे ही स्कूल वालों की स्कीमें हैं, उस पर हम भरपूर साथ दें अपनी तरीके से। आप झगड़ा करके डिमांड में अपना थैला नहीं ले जा सकते, ले जा सकते क्या बताइए आप? हम ध्यान नहीं देते ये चीज़ों पर, अगर ध्यान दें तो हमको पता चलेगा। तो ऐसे ही स्कूल वाले अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके स्टॉफ का पूरा साथ दे। थोड़ी छोटी छोटी शिकायतें हैं उसको लेकर खड़े रहकर अपने जहनों को मुंतशिर ना करें। इंशाल्लाह इनके जो अजाइम हैं, अगर हमारा साथ रहा और इनके अजाइम बुलंद रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से भरपूर मदद होगी। और अल्लाह इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को हम देखेंगे बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर और बेहतरीन जो है पायलट, और इसी तरीके से हमारे शहर को बेहतरीन लोग मिलेंगे जो हमारे शहर को एकदम इंशाल्लाह अच्छा नुमाया नंबर पर और अच्छे अंदाज में अपने शहर का नाम बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। है, तो इसके लिए कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हो। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है, उस हिसाब से मैंने बोला है। अगर
कहा कि इंशाल्लाह वो आगे कोशिश करेंगे, अभी धीरे धीरे इंग्लिश में आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हिफ्ज़ के अमल की तौफीक अता करेगा। एक लड़का स्केटबोर्ड में मरता है, तो सर आपने जो रूल रेगुलेशन है आपकी स्कूल में बहुत कड़क है, तो यहाँ पेरेंट्स को मैंने बहुत मरता हुआ देखा हूँ कि सर लोगों से बहस करते हैं, तो अपने पेरेंट्स ने भी सर लोगों से बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इतना हिस्ट्री है आपकी स्कूल में, पहले जब स्कूल में घुसते हैं ना तो नाम नंबर सब लिखे जाता है अपने बच्चों को मिलने के लिए, तो मैं यहाँ वही चाहता हूँ कि सर यहाँ पे शिफ्ट करें थोड़ा बहुत, और जो यहाँ का जो स्टॉफ है बहुत अच्छा स्टॉफ है पढ़ाई के मामले में, और चेयरमैन भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ, मैं ये चाहता हूँ सर कि जो रूल रेगुलेशन है फॉलो करें अपने स्कूल में। इसलिए चाहते हैं कि बच्चों के लिए वैन बस का इंतजाम करें। बस शुक्रिया सर। पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ और यहाँ के जो टीचर हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, इन्होंने जो बोले थे कि स्कूल इतने इतने महीने में बनाए गए, तो उम्मीद है सारा काम हो रहा है, और जैसे शायद अल्लाह इंशाल्लाह पूरा काम हो जाएगा, और मुझे अपने टीचर हजरात से भी गुजारिश है क्या बच्चों पे अच्छा ध्यान दे रहे पहले से काफी, और मेरा बच्चा भी अभी केजी के अंदर है, और माशाल्लाह वो अभी से इंग्लिश टॉकिंग कर रहा है और एबीसीडी पूरी पढ़ के सुना रहा है पोएम वगैरह इंग्लिश के अंदर, और मुझे गुजारिश है कि टीचर हजरा बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता, पर यहाँ के जो टीचर हजरा है बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, मुझे पहले से कुछ मतलब कंप्लेन नहीं, और ये जो यहाँ की जो स्कूल है बड़ी बड़ी इंग्लिश वहाँ तो अपने बच्चे उनसे बच्चे को आगे एडमिशन नहीं मिलती, जैसे अपने कौन सी स्कूल है अपने क्या बोलते ताप्ती वगैरह, वहाँ तो अपने बच्चों को वहाँ में नहीं मिलती, मुझे ऐसे बोल नहीं आ रहा कैसा, पर कैसा है मैं बोलना कुछ ज्यादा तुम समझ रहे हो ना बेटा, इसलिए आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात के बाबरकत महीना रजब का शुरू हो गया है, मैं माह रजब की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रजब और शाबान में हमें बरकत अता फरमाए और रमजान तक हमें पहुँचाए, तो इंशाल्लाह सब लोग रमजान शरीफ तैयारी में भी और इबादतों में इरादा रख के उसमें भी मसरूफ़ हो गए हैं, अल्लाह उसमें इंशाल्लाह कामयाबी दे। यहाँ पिछली मरतबा जब हम 14 नवंबर को मिले थे, जब हमने इस नई इमारत की इब्तिदा की थी, कुरान खानी हुई थी, कुरान खानी के साथ अल्लाह के नाम के साथ इसकी इब्तिदा हुई, और मैंने आपसे एक बात किया कहा था कि जब जब भी हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ बदलाव कुछ नयापन नज़र आएगा। उस रोज़ जिस दिन आप बैठे थे तो कलरिंग बाकी थी, लाइटिंग बाकी थी, टाइल्स लगने के बाकी थे, बाकी का अपना प्लेग्राउंड नहीं था, अभी अल्लाह के करम से हो गया है, कुछ काम अभी भी बाकी है, दूसरे मंजिल का काम इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, और आप लोगों से दुआ है, दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफेल में बुजुर्गान दीन के वसीले से इस कामों में कामयाबी और कामरानी। डिसिप्लिन के बारे में कहा गया तो मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों की चौथी जनरेशन एजुकेशन फील्ड में है, और केजी से लेके पीजी तक के अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स हम चलाते हैं, जिसमें प्योरली मुस्लिम बच्चों के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्योरली नॉन मुस्लिम बच्चों के इंस्टीट्यूट है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बच्चों के इंस्टीट्यूट्स है, यानी अलग अलग तरीके से हमने तजुर्बे के साथ में जो चीज़ें हमने हासिल किए वो सब चीज़ें हम यहाँ लाना चाहते हैं। अब जब हमारा बच्चा आगे पढ़ने के लिए निकलता है, जब वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी कंपटीशन में फिर वहाँ गैर मुस्लिम अदारा में पढ़ने वाले बच्चे भी आ जाते हैं। आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमारा उर्दू वाला बच्चा सिर्फ एग्ज़ाम नीट की है जेई की देगा तो सिर्फ उर्दू वाले बच्चों से ही उसकी कॉम्पिटिशन नहीं होंगी,
उसके कंपटीशन में नॉन मुस्लिम बच्चे भी आ जाएंगे, पूना का बच्चा आ जाएगा, मुंबई का बच्चा आएगा, नागपुर का बच्चा आएगा, औरंगाबाद का बच्चा आएगा, और ये सब बच्चों के कंपटीशन में उस बच्चे को इस काबिलियत से बनाना है कि वो खड़ा रह जाए। मैंने पिछली बार भी आपसे अर्ज किया था कि होता क्या है कि हमने शुरू में एक यहाँ सेमिनार लिया था दसवीं पास बच्चों के लिए, जब हालांकि हमारा अदारा भी कायम नहीं हुआ था और दसवीं में हमारे बच्चे पास होने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मुझे कैसा लगा, मेरे पास में एक ऐसी एक्सपर्ट टीम है कि जो दसवीं के बाद में क्या करना चाहिए इस बारे में बच्चों को और पेरेंट्स लोगों को मालूम देते हैं। तो मैंने सोचा था कि भाई ठीक है, गैर मुस्लिम लोग तो अभी से हमारे पास बुकिंग कर रहे हैं उनके आधारों के लिए कि भाई आपकी वो जो टीम है जब आप टेंथ के बच्चों की एग्जाम हो जाएगी तो आप फला तारीख को हमारे यहाँ भेज देना। तो मैंने सोचा था कि जब अपने पास सारा कुछ है तो अपने लोगों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए, तो अपन ने असद प्लाजा में एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ सारे जितने माइनॉरिटी के अदारे हैं वहाँ अपन ने दावतनामे पहुँचाए थे कि भाई आपके जो बच्चे दसवीं पास हुए हैं उन बच्चों को आप भेजिए, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट किए थे कि आप आइए ताकि दसवीं के बाद अपना बच्चा क्या कर सकता है आपको पता चले। बहुत कम चीज़ें हमको मालूम है, हमको इतना मालूम है कि दसवीं के बाद में आर्ट साइंस कॉमर्स में एडमिशन ले सकते, आईटीआई में जा सकते, पॉलिटेक्निक में जा सकते, भाई फार्मेसी कर सकते, नर्सिंग कोर्स कर सकते, इतनी ऊपर ऊपर की मालूम है, लेकिन और ऐसे हज़ारों कोर्सेस हैं कि जो हम कर सकते हैं, और ऐसे हज़ारों कोर्स है अलग अलग तरीके से कि जो कोई ऐसे वालिदैन रहते हैं, जैसे बहन ने बताया कि भाई माशी हालत का एक मसला है हमारे साथ में, तो ऐसे भी कोर्सेस है कि भाई छः महीने में साल भरे में अगर वो कोर्स कर लिए तो बच्चा अपने पैर पे खड़ा रह जाए और फिर आगे की पढ़ाई भी करे और कुछ अपना घर के इसमें भी अखराजात में हाथ लगा। तो उस हिसाब से हमने सेमिनार लिया था, तो जब हम गैर मुस्लिम आधारों में सेमिनार लेते हैं तो पीछे तक हॉल खचाखच भर जाता है, और वहाँ जिस तरह से हमको रिस्पॉन्स मिलना चाह नहीं मिला, और जब मैंने बच्चों से बात किया तो गैर मुस्लिम अदारे में सातवीं आठवीं से बच्चों को जो अपन ने भी फाउंडेशन बैच रखा है कि मैं इंशाल्लाह आठवीं नवीं से बच्चों को फाउंडेशन बैच में डालेंगे और वहाँ उसका असेसमेंट करेंगे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, वो अंग्रेजी में कमज़ोर है या साइंस में बहुत अच्छा है या मैथ्स में बहुत अच्छा है, और फिर आप लोगों के साथ में उसको बिठा के जिसको अंग्रेजी में काउंसिलिंग सेशन बोलते हैं, सलाह मशवरा, मशवरा तो इसके लिए मशवरा करो, तो वालिदैन के साथ, बच्चे के साथ और मैनेजमेंट और आपके टीचर के साथ बैठाए के बच्चों के फ्यूचर के बारे में मशवरा करेंगे कि बच्चा क्या कर सकता है अच्छे से, ये डॉक्टर बन सकता अच्छा, या ये मैथ्स लेके ये कर सकता, ये एमपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम देके ये अच्छा ऑफिसर बन सकता है, यानी किस सीट में इसको ले जा सकते हैं और किस इसमें जा सकता है और वहाँ ले जाने के लिए इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको आठवीं और नवीं में सोचना पड़ेगी, क्योंकि गैर मुस्लिम का बच्चा आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं में तैयारी करके नीट और जेई की एग्ज़ाम देता, वो लाता 650 मार्क, उसको मिलते गवर्नमेंट मेडिकल में एडमिशन 5-25 हज़ार में, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी है 25 लाख रुपये, जाहिर बात है कि हम और आप उतनी फ़ी हर साल की 25 लाख रुपये फ़ी और 25 लाख रुपये डोनेशन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ MBBS बना के लिए बच्चे को खर्चा नहीं कर सकता। तो हमारे पास में अल्लाह ने एक दूसरा रास्ता, जब अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे 10 रास्ते खोल देते हैं, एक दूसरा रास्ता खोल दिया अल्लाह ने कि क्यों ना हम हमारे बच्चे पे 4-5 साल तवज्जो दें और बच्चों को 650 मार्क मिलाने के काबिल बना दें, क्यों नीट में अगर 650 मार्क लेके आएगा उसको गवर्नमेंट कोटे में एडमिशन मिल जाएंगे, हज़ारों रुपये में, चंद हज़ार रुपये में उसको एडमिशन मिल जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगी, जे जे हॉस्पिटल जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ हमारे भाई साहब डीन है, वहाँ एडमिशन मिल जाएंगे उसको, किसी छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, उसको IIT पिलानी और IIT खलगपुर में एडमिशन मिल जाएंगी कि जहाँ पढ़ते पढ़ते ही 20-25 लाख रुपये का पैकेज बच्चों को ऑफर हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, तो उसके लिए हमको हमारे बच्चों को काबिल बनाना है। अब जैसे डिसिप्लिन के लिए मशवरा करो, तो वालिदैन के साथ, बच्चे के साथ और मैनेजमेंट और आपके टीचर के साथ बैठाए के बच्चों के फ्यूचर के बारे में मशवरा करेंगे कि बच्चा क्या कर सकता है अच्छे से, ये डॉक्टर बन सकता अच्छा, या ये मैथ्स लेके ये कर सकता, ये MPSC UPSC के एग्ज़ाम देके ये अच्छा ऑफिसर बन सकता है, यानी किस सीट में इसको ले जा सकते हैं और किस इसमें जा सकता है और वहाँ ले जाने के लिए इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको आठवीं और नवीं में सोचना पड़ेगी।
क्योंकि गैर मुस्लिम का बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तैयारी करके नीट और जेईई की एग्जाम देता, वो लाता 650 मार्क, उसको मिलती गवर्नमेंट मेडिकल में एडमिशन 25,000 में। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी है 25 लाख रुपए। जाहिर बात है कि हम और आप उतनी फी हर साल की 25 लाख रुपए फी और 25 लाख रुपए डोनेशन 1.25-1.5 करोड़ MBBS बना के लिए बच्चे को खर्चा नहीं कर सकता। तो हमारे पास में अल्लाह ने एक दूसरा रास्ता, जब अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे 10 रास्ते खोल देते हैं, एक दूसरा रास्ता खोल दिया अल्लाह ने कि क्यों ना हम हमारे बच्चे पे 4-5 साल तवज्जो दें और बच्चों को 650 मार्क मिलाने के काबिल बना दें। क्यों नीट में अगर 650 मार्क लेके आएंगा उसको गवर्नमेंट कोटे में एडमिशन मिल जाएंगे, 1,000 रुपये में, चंद 1,000 रुपये में उसको एडमिशन मिल जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगी, जे जे हॉस्पिटल जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ हमारे भाई साहब डीन है वहाँ एडमिशन मिल जाएंगे उसको, किसी छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, उसको IIT पिलानी और IIT खलगपुर में एडमिशन मिल जाएंगी कि जहाँ पढ़ते पढ़ते ही 20-25 लाख रुपये का पैकेज बच्चों को ऑफर हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो उसके लिए हमको हमारे बच्चों को काबिल बनाना है। अब जैसे डिसिप्लिन की प्लेन है, एक जनरल ऐसा है कि भाई आओ जाओ घर तुम्हारा, उमूमन सरकारी स्कूलों में अभी वही चल रहा है कि भाई कभी भी आओ कभी भी जाओ, बस भाई तुम्हारा बच्चा रिकॉर्ड पे रहे और हमारी स्कूल बंद ना हो और हमारी तनख्वाह चलते हो। और दूसरी तरफ वो है एकदम स्ट्रिक्ट वाली जो जैसे सेंट अलायंसेस है या बड़ी बड़ी स्कूल्स है, तो जहाँ वालिद को बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा रखा जाता है, प्रिंसिपल से कभी मिल नहीं सकता, स्टाफ से मिल नहीं सकता, प्रिंसिपल से मिलना है तो भाई वो 4 बजे से 5 बजे तक ही वक्त है, उसी वक्त में आके आप मिल सकते हैं, ये सारी तरह की है। तो हमने ऐसा सोचा कि भाई अपने लोग हैं, मसरूफ रहते हैं, काम कमाना भी है, अपनी रोजी रोटी का भी मसला है और बाकी सारी बातें भी, और हमारे घर में उतना कुछ पढ़ा लिखा भी कल्चर भी नहीं है, तो हमने एक ऐसा बैलेंस रखने की कोशिश की है, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है। पर जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत आगे जाना चाहिए तो फिर हमको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट करने को कुछ वक्त नहीं लगता, 2 मिनट ही लगता, पर क्या होगा कि भाई उस तरह की हमको पहले धीरे धीरे हमारी ज़हनियत बना लेना पड़ेगी। हम पहले ही दिन बोल देंगे कि भाई आप बिल्कुल 100 किलो का पत्थर उठा लो तो कोई पहलवान नहीं उठा सकता, उसको पहले 20 किलो का देना पड़ेगा, फिर 25 किलो का, फिर 40 किलो का, फिर 50 किलो का, फिर वो एक रोज इंशाल्लाह 100 किलो का उठा लेंगे। तो ऐसे ही अपने को धीरे धीरे हम एक एक चीज़ ला रहे हैं। अभी अपन ने थंब इम्प्रेशन लाए तो वो इसीलिए लाए ना कि भाई पता चल रहा है कि कौन सा स्टाफ कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। बच्चों की भी अपन ने अभी ये किए बायोमेट्रिक कर दिया है, तो अब धीरे 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 स्टिक करने को कुछ नहीं लगता। एक आदमी बिठा दिया तो आपको SMS भी देगा कि आपका बच्चा 10 मिनट लेट होगा, 5 मिनट लेट होगा, पर ये धीरे धीरे इसके लिए हमको ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ अच्छा करना है तो थोड़ी थोड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती है। जब अभी ये कुर्बानियाँ देंगे तो धीरे धीरे फिर हमको पता चलेगा कि इस तरह से ये होना चाहिए। खामी थी अपने यहाँ, वो अल्लाह ने दूर कर दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फिर में बुजुर्गों के वसीले से एक नई इंग्लिश मीडियम स्कूल की परमिशन अपने को मिल गई। हमारी दूसरी बहन, हमारे भांजे, इनकी वालिदा जिनका 8 जून को इंतकाल हुआ था, उनके नाम से इफायत बिन नज़ीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल की परमिशन आ चुकी है, और इंशाल्लाह आते साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी, पूरी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू हो जाएगी, नर्सरी से लेकर 12वीं तक आर्ट, साइंस, कॉमर्स। क्योंकि पिछले साल ये मसला आया था कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से 8वीं में आ गए, कुछ बच्चे 9वीं में आ गए, कुछ 6ठी में आ गए, कुछ 5वीं में आ गए। अपने यहाँ सेमी इंग्लिश है, सेमी इंग्लिश पैटर्न भी हमने बहुत सोच समझ के लाया था कि यहाँ एक तो उर्दू मीडियम स्कूल है या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और जो गैर मुस्लिम इदारे हैं जैसे KNR खेड़े है और बाकी की जगह है तो वहाँ पर सेमी इंग्लिश है, क्योंकि बच्चा मादरी जबान में अच्छा तालीम हासिल कर सकता। तो भाई जो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जो सब्जेक्ट लगते हैं, साइंस के सब्जेक्ट, वो वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, और बाकी के जो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल साइंसेज है, ये सब्जेक्ट उनकी मादरी जबान में पढ़ाए जाते हैं। समझो KNR खेड़े में क्या है कि भाई वहाँ बाकी के सब्जेक्ट मराठी में है और ये साइंस के सब्जेक्ट अंग्रेजी में है। तो अपन ने जो हजरत शकील अब्दुल वहीद देशपांडे स्कूल है ये सेमी इंग्लिश है, यहाँ
साइंस के सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ाएंगे और बाकी के सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाएंगे, सोशल साइंसेस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उस तरह से। यानी जो बच्चा थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप होना चाहता है उसके लिए बेहतरीन एक पैटर्न है, उसमें बच्चे अच्छा स्कोर भी करते हैं। दूसरा ऐसा है कि टोटल इंग्लिश मीडियम, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं हमको इंग्लिश मीडियम होना क्योंकि हमारा बच्चा वहाँ और दूसरी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो पढ़ रहा है तो पाँचवीं में, फिर यहाँ से आएंगे तो उर्दू तो उसको आती नहीं, तो मसला खड़ा रह रहा। तो इसलिए अपन ने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू किए। अब इस साल इंशाल्लाह 1 फरवरी से अपन एडमिशन फॉर्म्स ओपन कर रहे हैं, 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म्स ओपन किए जाएंगे। और अब थोड़ा जैसे मैंने बोला ना धीरे 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 धीरे, तो अभी इस साल, पिछले साल आपको वॉकिंग एडमिशन मिली, आप आए और अपने एडमिशन लिए, और उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। क्या आप लोगों ने ना हमारी कोई बिल्डिंग थी, ना हमारी जगह मुकर्रर थी, ना किराए की जगह मुकर्रर थी, पर सिर्फ एक भरोसा रखे आपने और अपने बच्चों के दाखिले कराए, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने, हमने जो आपसे वादा किया था उस मुकादिम पूछा भी हमको किराए से जगह मिल गई, ऑफिस मिल गया। 27 जून को अपन ने स्कूल शुरू किए, उसके बाद में 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ, भर बारिश में भी सारे बच्चों ने और आप लोगों ने बड़े जोश और परोस के साथ में प्रोग्राम में शिरकत की। 14 नवंबर को अपन ने नई बिल्डिंग में अपन शिफ्ट हुए, और कोशिश ये है कि मार्च के पहले ऊपर का मंजिल इंशाल्लाह पूरा करके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम, और थर्ड फ्लोर पे जो है सारी लैब्स रहेंगी जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, एक अच्छी लाइब्रेरी रहेंगी, एक ई लाइब्रेरी रहेंगी, तो बच्चा आज तो इतना आसान होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए, आपको और कुछ मालूम हासिल करना है तो आप गूगल पे जाके या किसी भी ऑथर की किताब सर्च करके आप ई लाइब्रेरी में एक क्लिक पे आप सब ले सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए अपन ने कंप्यूटर लैब अपन बना रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो रहते हैं 11वीं 12वीं में, 8वीं से थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल रहते हैं छोटे छोटे, पर 11वीं 12वीं में साइंस वालों के लिए प्रैक्टिकल रहते हैं, तो सारे प्रैक्टिकल के लिए भी लैब्स अपन सेटअप कर रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि ये सारे काम भी हो जाए, और 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म होंगे। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी फिर से एडमिशन, नई एडमिशन के लिए फॉर्म लेना पड़ेगा, पर जैसे कि वादा किया था पिछले साल, तो क्या नहीं तो ऐसा होता कि भाई शुरू शुरू में कम फी रखते और बाद में फिर एकदम बढ़ा देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जो फी स्ट्रक्चर पिछले साल था वही फी स्ट्रक्चर रखा जाएगा, कोई इजाफा नहीं है। हालांकि 10% से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, अपन जो ड्रेस दे रहे हैं उसकी भी 10% बढ़ गए, स्कूल बैग की 10% बढ़ गए, सब बढ़ गए, पर ठीक है, अल्लाह है। एक रास्ता ऐसा निकाले कि भाई पिछले साल जिस लोगों ने एडमिशन ली हुई थी उनके लिए वही फीस स्ट्रक्चर है, पर नए जो एडमिशन है उसके लिए हम थोड़ा एक 10% इजाफा किया है नए एडमिशन्स में, ताकि ये थोड़ा सा अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ा आप लोग सब इजारत भी करते हैं तो आपको मालूम है कि अपन कोई मुनाफा कमाना या अदारा निकालने में कोई मकसद नहीं है, मकसद ये है कि भाई क्योंकि आखिरत में मौलाना साहब वो भी पूछूंगी कि भाई मैं, हमने आपको दौलत दिए थे तो आपने कहाँ खर्च किए, हमने आपको इल्म दिए थे तो कहाँ खर्च किए, हमने आपको तजुर्बा दिए तो आपने कहाँ खर्च किया, हमने आपको सलाहियत दिए तो आपने क्या खर्च किया। तो उस हिसाब से इस इदारे को निकाला गया कि अल्लाह ने जो भी हमको दिया है और हमारी बहनों के इसाले सवाब की नीयत से इदारे निकाले हैं, कोई इसमें भाई यहाँ से कोई पैसा कमाना वगैरह इस तरह का कुछ नहीं है। और एक बात निकल गई तो बात बता देता हूँ मौलाना साहब, एक एक पैसा हलाल की कमाई का लगा है, और इसीलिए अल्लाह की जास्ती उम्मीद है, क्योंकि जैसी नियत वैसी बरकत। नियत यह है कि एक एक पैसा हलाल का लगा है, और इसीलिए अल्लाह से की जास्ती उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी दे। तो कोई मतलब हम लोग भी आपके जैसे कॉमन लोग हैं, पर एक एक तड़फ है, ये है कि कुछ करना चाहिए कौम के बच्चों के लिए, क्योंकि हम बाकी अदारे में हमारे ऐसे बच्चे निकल रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, IIT इंजीनियरिंग में जा रहे हैं लेके आई, उसके बाद में हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी चैंपियन बन रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए भी अपन ने देखे, अल्लाह का एहसान करम है, आप सब लोगों की दुआओं से ओपन स्पेस का भी ग्राउंड अपन ने ये किया है, वहाँ भी क्लियर किया है, यहाँ भी क्लियर, बाजू में भी अपन कर रहे हैं, तो एक स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा माहौल, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी हर रेलवे में, पोस्ट में, इसमें उसमें हर जगह कोटा रहता है। और साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन
माशरे में माइनॉरिटी के बच्चे हैं, तो जैसे अभी रेलवे रिक्रूटमेंट शुरू है, पोस्ट में रिक्रूटमेंट है, बहुत सारी जगह निकल रही है, पर अपने लोगों को मालूम नहीं पड़ता तो वो कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है, कहाँ भरना है, क्या भरना है, उसके लिए भी एक गाइडेंस सेंटर, उसका स्कूल से ताल्लुक नहीं रहेगा, लेकिन एक भाई जो आ रहा है तो शायद किसी का भाई रहता है, किसी की बहन रहती है, भाई पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हैं, जॉब देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ऐसा गाइडेंस सेंटर शुरू करने का इरादा है, ताकि उनको भी मालूम मिल सके कि गवर्नमेंट में कहाँ का रिक्रूटमेंट है, कैसा है, और उसके लिए कैसी तैयारी करना चाहिए, MPSC के लिए कैसी तैयारी करना चाहिए, UPSC के लिए कैसी तैयारी करना चाहिए, तो उस तरह से ये करना चाहिए। जो आपने देखे होंगे उसमें सारा शेड्यूल है, बच्चा ये है, आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो अपने को भी बच्चों को धीरे धीरे ज़हनियत बनाना पड़ेगी कि बेटा अगर तुमको देखिए पहली से 12वीं तक के 12 साल होते हैं और वहीं पे आपका कैरियर डिसाइड होता है 12वीं के बाद में कि आपका बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फार्मेसी करेगा, नर्सिंग में जाएगा, या और कोई पैरामेडिकल के कोर्स करेगा, पॉलिटेक्निक में जाएगा, या BSc BA BCom करके CA बनेगा, MBA करेगा, या गवर्नमेंट की किसी जॉब के लिए अपने आप को तैयार करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करेगा, तो बच्चे की ये ज़हनियत बनाएंगे क्या बेटा अगर तुम ये ज़िंदगी के 4-5 साल मेहनत कर लोगे तो फिर ज़िंदगी भर आप आराम से गुजार सकते हो ज़िंदगी, और ये 4-5 साल अगर आपने खेलने कूदने में इधर उधर गंवा दिए तो ज़िंदगी भी फिर अपने को तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपने से कई लोगों को याद आ रहा होगा कि उस वक्त इतने कुछ इदारे नहीं थे, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए आप लोग भी को लगता होगा आज के भी उस ज़माने में ऐसा कुछ रहता तो हम भी डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बन जाते थे, पर मौका नहीं था, लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि आने वाली हमारी नस्ल को अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि बच्चे अब जो बनना चाहे वो बन सकते, तो उसके लिए हमको भी थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, हमको भी थोड़ा सा उसमें क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहली जो उसकी जो मदरसा है वो माँ है, उसका घर है। अब क्या था कि पहले जॉइंट फैमिली थी, मैं थोड़ा सा एक अलग एंगल आपको दे रहा हूँ, पहले जॉइंट क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, और पहले 5-6 भाई रहते थे, 5-6 बहन भी रहती थी, और इतनी बड़ी फैमिली रहती थी, और फिर बड़े अब्बा के लड़के और चाचा के लड़के और ये इसमें, तो एक हम उनके काम में भी अगर हम कई काम में आ सकते तो हम बिल्कुल आधी रात को, कोई बच्चा कौन का बच्चा है, चाहे हमारे अदारे में पढ़ो या और किसी अदारे में पढ़ो, वो बच्चा भी किसी चीज़ के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस लगता है, तो यहाँ कभी भी आ सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो मसले बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते कि भाई जब हमारे यहाँ आज मैंने देखा कि माइनॉरिटी के कई बच्चे गैर मुस्लिम अदारों में पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वो जो लेवल का एजुकेशन चाहते हैं वो लेवल का एजुकेशन अपने अदारों में नहीं मिल रहा है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे की इतनी ज़्यादा फीस भर सकते हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब आने वाले दौर में ये मसला आ रहा है कि वहाँ का जो माहौल है वो माहौल हमारे दीनी माहौल से टकरा रहा है, और फिर कहीं तो भी एक पर्सनैलिटी में एक ऐसा कंफ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि हम बच्चे को घर में एक अलग तालीम मिली है, एक अलग तरबियत मिली है, और वहाँ जाने के बाद में एक कुछ अलग ही माहौल में उसको ढालने की कोशिश हो रही है, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ इस पर बात भी करना पड़ेगी, फिक्र भी करना पड़ेगा, और उसका सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा कि वहाँ नहीं जाए, इसके लिए अपने को उतनी स्टैंडर्ड की एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद की बनाना पड़ेगी माइनॉरिटी की, और उसको वो सब देना पड़ेगा जो वहाँ मिलता। तो मैं भी चाह रहा था, मैंने हाजी भाई साहब से बात भी किया था, हमारे कयूम भाई से बात किया था, भांजे साहब से, कि भाई स्कूल बस अगर ज़रूरी है तो आप अपन ले लेंगे इस साल इंशाल्लाह। हाँ, पर स्कूल बस की दो ही मसले हैं कि एक तो वो हर रूट पे मतलब उतने बच्चे अपने को मिल जाना चाहिए, ये तो फिर कैसे रहते बॉस पेरेंट, अपन मैं बोला ना गैर मुस्लिम अदारे जैसा कंपलसरी नहीं कर सकते, आपको स्कूल बस में ही आना पड़ेगा, तो कोई बोलेगा भाई मैं नज़दीक रहता हूँ तो मैं अपने बच्चे का हाथ पकड़ के ले आऊँगा, कोई बच्चे अपने साइकिल से आ जाएंगे, कोई वाली चाहते हैं कि भाई हम इधर उधर जाते आते अपने बच्चे को छोड़ देंगे लेने आ जाएंगे, और फिर जिनके लिए कोई परेशानी है उनके लिए इंशाल्लाह अपन स्कूल बस का इंतज़ाम करेंगे इसी साल, और जितनी स्कूल बस लगती है आप एक असेसमेंट ले लीजिए कि अपने को एक बस लगेंगी, दो बस लगेंगी, और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं,
तो ज़्यादा मुनासिब ये रहेगा कि जो छोटी स्कूल बस है जो यानी हमारे बाकी अदारों में जो चलती है, क्योंकि देहातों में भी रास्ते छोटे छोटे हैं, तो जहाँ रास्ते बड़े हैं वहाँ हैं, पर फिर वहाँ बहुत नहीं है, पर कुछ यानी मेरे ख्याल से 15 सीटर 35 सीटर तक के अपन कर सकते हैं। तो आप एक क्वांटिटी बता दीजिए, तो इंशाल्लाह आने वाले साल से स्कूल बस भी का भी इंतज़ाम करेंगे, और हर चीज़ में कोशिश होंगी कि वो रिजनेबल रहे, अपने को कोई उसमें से मुनाफा कमाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, और अल्लाह की जात ने उसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगा, बस अल्लाह अपने खजाने से हलाल की कमाई दे रहा है, और उसमें से जो वो दे रहे हैं वो सब उसी का है, उसी में से खर्चा करना है। तो 9:55 पे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो 8:25 से लेकर 9:35 तक रहते, 9:05 को जो है कलेक्टर ऑफिस का झंडा वंदन रहता, बड़ा जो सबसे बड़े ज़िले का पालक मंत्री के हाथ से। तो गवर्नमेंट की एक ऐसी नॉर्म्स है, यह मालूम के लिए आपको बता रहा कि भाई आप प्रोग्राम रखना चाहते तो 8:35 के पहले रख लीजिए, या फिर 9:35 के बाद में रखिए, ताकि लोग अपने अपने प्रोग्राम अटेंड करके वो प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। तो अपन ने 9:55 को फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा है, उसके बाद में जो कौमी एग्जीक्यूटिव है और वतन के वतन परस्ती पे, तो हमसे ज़्यादा वतन परस्ती तो कोई हो नहीं सकता और है भी नहीं, पर इंशाल्लाह हम क्या है बताने की ज़रूरत भी आ पड़ी है तो बताना भी पड़ता है। तो एक बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम रखा है, उसके साथ ही साथ अपन ने जो स्पोर्ट्स वीक लिया था, उस स्पोर्ट्स वीक में बच्चों ने बहुत अच्छे अपने हुनर दिखाए, उसका भी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कल अपन करेंगे, और बाकी जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो बच्चे विनर है फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ हो जाएगा, और बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, तो मैं जो जिन्होंने कामयाबी हासिल की उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो किसी वजह से इस साल अपना नंबर नहीं ला सके वक्त निकाल के आप लोग आए, साथ ही आपने आपके मशवरे से भी हमको नवाजा, और मेरी दरख्वास्त है आपसे क्या ये आपके मशवरे हमारे लिए बहुत काम करते हैं, कि हमें एक नई उमंग भी देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो आप जब लोग बोलते हैं कि सही चल रहा है तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है, और कहाँ खामियां रह रही है ये भी हमको पता चल जाता है, और वो हम पूरी करने की है, और बिल्कुल आप बेझिझक बोलिया करें, हर चीज़ पॉजिटिवली हम लेते हैं, किसी ने अगर कोई खामियां भी बताया तो हमारे को ऐसा कभी नहीं लगता कि ये खामियां बता रहा है, क्योंकि अगर आप खामियां बताएंगे तो ही वो चीज़ में हम डेवलपमेंट करेंगे, और कोई आदमी अपने आप में मुकम्मल नहीं है, वो सीखते रहता है, इस उम्र में भी मेरी 60 साल की उम्र होगी लेकिन मैं सीखते रहता हूँ, क्योंकि हर रोज़ नई चीज़ आ रही है, हर रोज़ नई चीज़ आती है, और जो नई चीज़ आती है, आज ही सुबह मैंने एक चीज़ देखा क्या पल चल के एक अकेडमी है औरंगाबाद में, और उन्होंने मुस्लिम बच्चों के लिए कंपटीशन रखा है, पर्ल अकेडमी है वली रहमान ने पूछ किया सुबह, और उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम बच्चे जैसे बहन ने बोली कि हम डॉक्टर बनाना चाहते इंजीनियर बनाना चाहते लेकिन माशी हालत नहीं है, तो उन्होंने ऐसे होनहार बच्चों के लिए पर्ल अकेडमी में यहाँ भी उसका ये करेंगे, तो 10 फरवरी तक के एप्लीकेशन मंगाए गए, वो एक एंट्रेंस एग्जाम ले रहे, और जो बच्चे अच्छे नंबर से उसमें कामयाब होंगे उनको नीट और जेई की फ्री पढ़ाई देने वाले, यानी उसमें रहना खाना और नीट की और जेई की पढ़ाई सारी फ्री है औरंगाबाद में। फिर कुछ बच्चे जो उससे कम मार्क लाएंगे उनके लिए वो 50% कंसेशन देंगे, यानी 50% आपको देना है, 50% कम होंगे, तो ये भी एक मौका है। तो मैंने आज वो देखा, मैंने सद्दाम भाई को भी भेजा और 5-6 ग्रुप पे डाला, तो हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलती रहती है, अपन जहाँ जैसे काम कर रहे हो, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि भाई कोकन में खास करके बहुत अच्छा काम चल रहा है अदारों का, वहाँ बड़े बड़े अदारे भी है और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं।